सौ गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से, सौ गुना खूबसूरती बढ़ जाती है मुस्कुराने से, फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते बैगन सा मुंह बनाने से। गुलाब ला कर देने वाला तो फरवरी तक ही साथ चलता है, हरा धनिया ला कर देने वाला ही बुढ़ापे तक साथ चलता है। जब भी पत्नी पर गुस्सा आए थोड़ी देर शांत रहिए, फिर ये सोचिए कि पहले भी गुस्सा करके क्या आप अपनी पत्नी का कुछ उखाड़ पाए। भाइयों, उसका हाथ चूमने की तमन्ना ही नहीं रही जब से उसको नाक में उंगली करते हुए देखा है। ठंड और घमंड दोनों से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी की चादर हो, वरना ठंड लग सकती है। भाइयों, हम मर्दों को ये स्त्रियां झूठ बोलने पे मजबूर करती हैं। पूछो कैसे, जब ये मेकअप करके हमसे पूछती है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। एक सर्वे के अनुसार साधुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अपने पति को प्यार दें, तकलीफ नहीं। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर किसी के पास पाई जाती है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि मच्छर भी कान में आकर कह रहा है, भैया काटूंगा नहीं, कंबल में बैठने दो। अरे भैया, ठंड तो ऐसे पड़ रही है आज जैसे कल उसका पेपर हो। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे ठंड के सहारे, आजा ठंडा ठंडा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे, आजा। भाइयों, जिस घर में बर्तन धुलने की बिल्कुल भी आवाज ना आए, समझ जाइए वहां बर्तन महिला नहीं उसका पति धो रहा है। भाइयों, बीबी के चुंगुल के सिवा आप कहीं भी फंसे हो, ये सरकार आपको वहां से निकाल के ला सकती है। भाइयों, ठंड तेज पड़ रही है, कृपया एक दूसरे से जलते रहें। भाइयों, जमाना बदला तो है, बस केवल इतना ही कि पहले आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते थे और अब आज्ञाकारी पति। शादीशुदा ज्यादा खुश ना हो, 1 जनवरी को साल बदलेगा, घरवाली नहीं। भाइयों, ठंड और भूत दोनों एक जैसे होते हैं, पता नहीं कब लग जाए। साल के अंत में मेरी सारी गलतियां ये सोच के माफ कर देना दोस्तों कि तुम कौन से दूध के धुले हुए हो। सुनो, आजकल बहुत खूबसूरत होते जा रहे हो, क्या बात है। चलती फिरती बातों में भी जो शब्द पकड़ ले उसे पत्नी कहते हैं, और उस शब्द का अर्थ समझाते समझाते जो पागल हो जाए उसे पति देव कहते हैं। जिंदगी में हर गड़बड़ का उपाय संभव है, बस बीबी की बड़बड़ का नहीं,
सिवाय चुपचाप सुनने के। जानी किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारे दिल के करीब कौन है, हमने भी कह दिया फेफड़े। भाइयों आजकल के जमाने में बच्चों को याद रखने के लिए बादाम दिया जाता है, और एक हमारे जमाने में दो थप्पड़ में ही सब कुछ याद आ जाता था। कैसी कही भैया, प्रोफाइल लॉक वालों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया घूंघट की आड़ में फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजे। हाँ भाइयों, पता नहीं सबको अच्छे दोस्त कहाँ से मिल जाते हैं, मुझे तो सारे नमूने ही मिले हैं, जैसे ये। यारों दिल में तो हड्डी होती नहीं, फिर ये टूटता कैसे है, पिचकता क्यों नहीं। हाँ बताओ, बताओ। भाइयों हेलीकॉप्टर लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन मूड बदल जाता है, साला टाइम ही नहीं मिलता, उड़ाएगा कौन। बहुत दिनों से हिचकी नहीं आई, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, जिनकी आंखों में हम खटकते हैं। भैया जब गर्लफ्रेंड आपको हद से ज़्यादा डांटने लगे और सुनाने लग जाए, तो समझ जाइए वो आपको मानसिक रूप से अपना पति मान रही है। भाइयों मेरे ससुराल वाले भी बहुत निकम्मे हैं, अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाए। हाँ